हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आपने सुना ही होगा कि चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, परिवर्तन प्रकृति का नियम है और हमको परिवर्तन कभी ना कभी कहीं ना कहीं करना ही पड़ता है अपनी ज़िंदगी में। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है चेंज के ऊपर, परिवर्तन के ऊपर। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि परिवर्तन क्यों करना पड़ता है, परिवर्तन कैसे किया जाता है और हम कभी कभी परिवर्तन करने में कैसे क्यों असफल होते हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले व्यक्तिगत स्तर पे कैसे हम परिवर्तन करते हैं। दोस्तों किसी भी चीज़ का परिवर्तन हमको करना पड़ता है तो हमको तीन चीज़ें ज़रूरत होती हैं। तीन ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो किसी भी चीज़ का अगर आप चेंज करना है तो आपको जानना ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ ज्ञान। दोस्तों कभी कभी हम परिवर्तन करना चाहते हैं लेकिन हमको ये नहीं पता होता है हमको कहाँ परिवर्तन करना है। तो अगर आपको परिवर्तन करना है तो सबसे पहली चीज़ आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये ज्ञान होना ज़रूरी है कि हमको कहाँ परिवर्तन करना है। और उसके बाद दूसरा जो स्टेप है कि आपको क्या जानना ज़रूरी है कि परिवर्तन कैसे करना है, वो कला कौशल आपके अंदर होना चाहिए कि आप उस परिवर्तन को कर सकें। क्योंकि कभी कभी हमको मालूम होता है कि हम परिवर्तन हमको क्या करना है लेकिन हमारे अंदर वो काबिलियत नहीं होती है कि हम उस परिवर्तन को कर सकें। और तीसरी चीज़ क्यों अथवा इच्छा। आपके अंदर परिवर्तन की इच्छा, जब तक आपके अंदर परिवर्तन की इच्छा नहीं होगी दोस्तों कोई आपसे ज़बरदस्ती परिवर्तन नहीं करवा सकता। तो पहला कारण कि आपको ज्ञान होना चाहिए और उस परिवर्तन को कैसे अपनी ज़िंदगी में लागू करना है, ये कला कौशल होनी चाहिए और इच्छा होनी चाहिए, तीव्र इच्छा, तब आप परिवर्तन कर सकेंगे दोस्तों। दोस्तों परिवर्तन करने के लिए हमको तीनों चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, ज्ञान और समझ, कला और कौशल और इच्छा। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी व्यक्ति को ये ज्ञान है कि वो परिवर्तन करना उसके लिए ज़रूरी है, क्या परिवर्तन करना है और उसके अंदर उसको परिवर्तन करने की इच्छा और उसके अंदर उसको परिवर्तन कर लेगा कला कौशल भी है दोस्तों, लेकिन अगर उसके अंदर उसको परिवर्तन करने की इच्छा नहीं है तो वो फेल हो जाएगा, परिवर्तन नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों अगर किसी के अंदर ज्ञान है कि मुझे कहाँ परिवर्तन करना है और उसके अंदर इच्छा भी है कि मुझे परिवर्तन करना है, लेकिन अगर उसको उसके अंदर दोस्तों ये कला कौशल नहीं है कि वो कैसे परिवर्तन कर पाएगा तो भी परिवर्तन फेल हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको आपके पास कला कौशल भी है परिवर्तन करने का और इच्छा भी है, आप चाहते भी हो, लेकिन ये भी ज्ञान, ये ज्ञान भी नहीं है कि कहाँ परिवर्तन करना है तो भी आपको फेल हो जाएगा। दोस्तों ऐसा कहना ठीक नहीं है कि लोग नई चीज़ों को स्वीकार नहीं करते, पुराने से ही चिपके रहते हैं। दोस्तों जब आप सोच समझ के व्यवस्थित ढंग से परिवर्तन करते हैं तो आपके अंदर एक नए उत्साह का जन्म लेता है। आजकल अगर देखिए लोग साथ में इकट्ठा है, कुछ लोग इकट्ठा हैं तो अधिकतर इसी विषय पे बात होती है, परिवर्तन, राजनीतिक पार्टियों में परिवर्तन, समाज में परिवर्तन, स्कूल में परिवर्तन, शैक्षिक अधिकारों में परिवर्तन, तमाम तरह के परिवर्तनों के बारे में बात ही होती रहती है। एक चीज़ और भी देखा गया है दोस्तों कि लोग परिवर्तन जो चाहते हैं वो सब कुछ बदलना चाहते हैं दोस्तों, लेकिन खुद को नहीं बदलना चाहते। दोस्तों कई बार लोग परिवर्तन तो करना चाहते हैं लेकिन वो एक सर्कस की तरह परिवर्तन करते हैं। ये सर्कस में कलाबाज जो होता है वो एक झूले से झूलता है, एक डंडी छोड़ता है और दूसरी डंडी पकड़ता है। अब वहाँ पर परिवर्तन तो हुआ दोस्तों लेकिन फ़र्क कोई नहीं पड़ता, वो पहले से भी वही झूला झूल रहे थे और आज भी वही झूला झूल रहे हैं। तो दोस्तों जब भी परिवर्तन हो तो आपको ये भी ज़रूर देखना चाहिए कि पॉजिटिविटी उसके अंदर होनी चाहिए, उसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में फ़र्क पैदा होना चाहिए, उसकी ज़िंदगी से आपकी ज़िंदगी में अच्छाई आनी चाहिए। अगर कोई परिवर्तन ऐसा होता है उसको होने के बाद आप वैसे ही महसूस कर रहे हो तो परिवर्तन उसको नहीं कहा जाएगा। और अगर उसको होने के बाद आपकी लाइफ में स्ट्रगल आ रहा है तो भी आपको धैर्य के साथ वहाँ रहना है। हो सकता है थोड़ा सा स्ट्रगल करने से आपको आने वाले समय में जो आप
परिवर्तन, रियल चेंज चाहते हो, वो चेंज आपको मिले। दोस्तों ये सर्कस वाली बात जो है ये कुछ लोगों की व्यक्तिगत जिंदगी पर भी लागू होती है। जब समय उनसे परिवर्तन की मांग करता है तो वो अपने पुराने विचारों, पुराने आदतों या पुराने क्रियाकलापों में ही झूलते रहते हैं। जब परिवर्तन वो नहीं कर पाते हैं तो उनकी ज़िंदगी में जो वो चाहते हैं वो रिजल्ट उनको नहीं प्राप्त होता है। तो वो समय को दोष देने लगते हैं, समाज को दोष देने लगते हैं, अपने आप को दोष देने लगते हैं, अपने बीवी बच्चों को दोष देने लगते हैं। जबकि ऐसा नहीं होता है दोस्तों। जब भी आपको परिवर्तन की ज़रूरत पड़े तो आपको परिवर्तन करना चाहिए, क्योंकि चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर। और जब परिवर्तन हम करते हैं तो हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ भी आती हैं। बार परिवर्तन आसान नहीं होता है, कभी कभी परिवर्तन बहुत मुश्किल भी होता है। जब आपको परिवर्तन जिस कठिन लगे तो समझिए आपकी इच्छा शक्ति में कोई ना कोई खोट है। जब आपको परिवर्तन कठिन लगे तो आपको आपके अंदर डर छा जाए तो समझिए कि आप उस परिवर्तन को नहीं चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं दोस्तों कि जो नया अपनाना भी चाहते हैं, पुराना छोड़ना भी नहीं चाहते। पुराना नहीं छोड़ना चाहते और नया अपनाना भी चाहते हैं। ऐसी परिस्थिति में दोस्तों उनको केवल कुंठा ही हासिल होगी, क्योंकि जब तक आप पुराना छोड़ेंगे नहीं तब तक आपको कुछ नया मिलने वाला नहीं है। तनावगत ग्रस्त और चिंतित व्यक्ति का झुकाव हमेशा उसके निजी संसार की तरफ होता है। वो केवल अपने बारे में सोचता है, वो टीम के बारे में नहीं सोचता। जब वो टीम के बारे में नहीं सोचता है, केवल अपने बारे में सोचता है, तो यहाँ पर परिवर्तन उसको सही ढंग से नहीं लगेगा। क्योंकि कभी कभी हमको केवल अपने बारे में नहीं सोचना पड़ता है, अपनी टीम के बारे में सोचना पड़ता है। तो जब आप टीम के बारे में सोचेंगे तो आपको आसानी होगी और आप आसानी से अपने कार्यों को पूरा करेंगे। जो व्यक्ति, बहुत सारे व्यक्ति होते हैं वो किसी व्यक्ति के काम में रुकावट डालने में उनको आनंद होता है, या किसी को परेशान करने में उनको आनंद होता है, या कोई अगर आगे बढ़ रहा है उसकी टांग खींचने में आनंदित महसूस करते हैं। दोस्तों अगर आप करीब से देखेंगे तो उसके पीछे न पीछे कोई कारण होगा, और वो केवल यही कारण है कि वो सही ढंग से परिवर्तन नहीं करना चाहते। अगर आप उनको टटोलेंगे तो उनके पीछे भी एक प्यारा दिल बैठा है, उनके पीछे भी एक अच्छा इंसान बैठा है, बस